नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फार्मा ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फार्म डी और फार्म डी पी बी के बारे में। फार्म डी और फार्म डी पी बी में कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है जो आपको जान लेने चाहिए। फार्म डी जो है वो HSC के बाद हम कर सकते हैं, यानी कि 12th बोर्ड के बाद, और साथ ही साथ अगर आप 12th बोर्ड के बाद नहीं कर पाए तो आपके पास दूसरा मौका है डी फार्म, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद भी आप फार्म डी के लिए एप्लीकेबल हो सकते। वही हम अगर फार्म डी पी बी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये है एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो कि बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फार्म डी के बारे में लेट पता चलता है और वो बी फार्म को एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके पास अगर उनको समझो बाहर जाना है USA में या फिर किसी और डेवलप्ड कंट्री में जाना है, कनाडा वगैरह जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, तो ऐसी कंट्रीज में जिनको जाना है तो उनको वहां पे बी फार्म के अलावा फार्म डी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऑलवेज फार्म डी इज प्रेफर्ड, तो वो चाहते हैं कि फार्म डी किया जाए, तो वैसे बंदों के लिए या फिर बंदियों के लिए फार्म डी पी बी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरी बात है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस होने चाहिए आप में। फार्म डी अगर आप करते हो 12th के बाद, HSC के बाद या फिर डी फार्म के बाद, तो हो जाता है 6 साल का, उसमें 5 साल आपको पढ़ना पड़ता है। एनुअल पैटर्न होता है एग्जाम्स का, सेमेस्टर एग्जाम नहीं होती है, हर सेम को एग्जाम नहीं होगी। यूनिट टेस्ट टाइप एग्जाम्स होती है सेशनल, साल में 3 बार, और 1 साल की होती है इंटर्नशिप लास्ट में, 5th ईयर के बाद फाइनल ईयर में 1 साल में इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 1 साल 365 डेज आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज संडे को छुट्टी दे देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं देती है, तो आपको वैसे देख के काम करना पड़ेगा, और पूरे 365 डेज आपको हॉस्पिटल में रेसिडेंशियल इंटर्नशिप आपको बितानी पड़ेगी। सिमिलरली फार्म डी पी बी, जैसे कि आप जानते हो बी फार्म के बाद आपको एक मौका मिलता है, तो 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है इसमें और 1 साल की इंटर्नशिप, जैसे कि मैंने पहले बताया फार्म डी के बारे में, वैसे ही इसमें भी इंटर्नशिप होती है। तो कुल मिला के दोनों का ड्यूरेशन अगर हम देखें, फार्म डी का हो जाता है 6 साल 12th के बाद, और फार्म डी पी बी का हो जाता है बी फार्म के बाद 3 साल। कोई लैटरल एंट्रीज नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बी फार्म अगर आप करें और उसके बाद आपको डायरेक्ट 5th ईयर में एडमिशन मिल जाए फार्म डी के, वैसा नहीं होता है। फार्म डी पी बी अलग कोर्स है, इसमें आपको 3 साल अलग से देने पड़ेंगे। वैसे भी बी फार्म करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते ही हो, तो उस टाइम आपको अगर आप एम फार्म कर रहे हो या फिर एम टेक कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो 2 साल तो वैसे भी स्पेंड करने ही पड़ते। तो यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन है लेकिन इसका ड्यूरेशन है 3 साल। सीट्स की बात करें दोस्तों, तो 12th के बाद जो फार्म डी करते हैं हम, जो इंटीग्रेटेड फार्म डी होता है, उसमें 30 सीट्स है पर कॉलेज, ऐसे लगभग 250 से ज्यादा कॉलेजेस है, उसका एग्जैक्ट नंबर मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। और फार्म डी पीबी के सीट्स होते हैं 10, और इसकी फीस भी थोड़ी सी हायर होती है फार्म डी से, कंपेयर करके इसकी फीस जरा हायर होती है। रेगुलेटर्स PCI और AICTE रेगुलेट करता है दोनों कोर्सेस को, PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। डिग्री आपको कौन सी मिलेगी दोस्तों फार्म डी करने के बाद? देखो फार्म डी करोगे तो फार्म डी प्लेन में लिखा आएगा इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर आप 12th के बाद करोगे तो फार्म डी की डिग्री मिलेगी। फार्म डी पीबी करेंगे तो फार्म डी लिखा आएगा और ब्रैकेट में आएगा पीबी, ऐसी डिग्री आपको मिल सकती है। फार्म डी के कॉलेजेस एग्जैक्ट मैंने जो बोला आपको 270 अप टिल नाउ 2021 तक 270, अगर हम PCI की साइट पे जाए और देखे तो लगभग 270 कॉलेजेस होते हैं फार्म डी के लिए। और फार्म डी पीबी के लिए अप्रोक्सीमेटली देखो बहुत सारे कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल हो चुका है या मिला ही नहीं है उनको जिन्होंने अप्लाई किया था, तो लगभग 150 है PCI के साइट पर जो लिखे हुए है जहाँ पे फार्म डी पीबी है, लेकिन यहाँ पे उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस को अप्रूवल डिनाई किया गया है, तो आपको एक बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा फार्म डी पीबी के लिए। सो नेक्स्ट है फी रेंज, सबसे इम्पोर्टेंट यार, जो कि मिडिल क्लास बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी मैं फीस बताऊंगा वो हर साल की है, ओके, ऐसा नहीं है कि पूरे 6 साल के लिए उतनी पड़ेगी आपको। तो 25,000 स्टार्टिंग एनुअल फीस से लेके 3 लाख एनुअल फीस तक भी कॉलेजेस है, ये नॉर्मल फीस है। यहाँ पे डोनेशन या फिर मैनेजमेंट कोटा वाले सीट्स नहीं आते, अगर आप मैनेजमेंट से एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका गवर्नमेंट कैप राउंड थ्रू से एडमिशन नहीं जाता है तो फिर आपको अलग से फीस पड़ सकती है, या फिर आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट या फिर NRI बच्चे या फिर जो कि बाहर के देश से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी अलग कोटा होता है, उनकी अलग फीस होती है। तो ये जनरल फीस है, अगर आप जाओगे तो आपको ये लगेगी। इसमें से भी स्कॉलरशिप्स मिलती है SC ST OBC और अदर जो भी लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप या फिर ट्यूशन फीस में उनको कंसेशन मिलता है उनके रूल्स के अनुसार। फार्म डी पीबी में देखो कम से कम कॉलेज जो मिला मुझे, कम से कम फीस थी उसमें 60,000 और हाईएस्ट फीस थी 3 लाख तक, ये जो जनरल कैप राउंड वाली फीस है जो भी आप CET देके जाते हो। कुछ CETs होती है फार्म डी पीबी के एडमिशन के लिए कुछ कुछ कॉलेजेस में, तो अगर आपने गवर्नमेंट के वे के थ्रू एडमिशन लिया तो इतनी फीस आपको लग सकती है। सिमिलरली मैनेजमेंट कोटा और अदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, अगर वैसे आपको एडमिशन लेना है तो अलग से फीस पड़ सकती है। डिग्री टाइप देखो, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको बैचलर्स की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में मिल जाती है। तो फार्म डी एक ऐसा कोर्स है जो कि इंटीग्रेटेड है और जिसमें आपको दोनों डिग्रियां साथ में मिलेगी, लेकिन
फार्मडी पीबी, जैसा कि हम जानते हैं कि बी फार्म के बाद किया जाता है, तो बैचलर्स तो आपकी ऑलरेडी वहाँ पे हो ही गई है, तो फार्मडी पीबी को हम स्पेशलाइज पोस्ट ग्रेजुएशन कहेंगे। बहुत लोग इसको डॉक्टरल कोर्स बताते हैं, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो पीसीआई ने गैजेट शेयर किया था उसमें उन्होंने बताया था कि ये डॉक्टरल कोर्स नहीं है, डॉक्टरेट नहीं है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और पीएचडी पर्टिकुलरली होती है डॉक्टरेट, तो ये ध्यान में रखना ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट फार्मडी के लिए, स्टेट लेवल फार्मेसी की जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है हर एक स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र में एमएचटी सीईटी है जो कि फार्मेसी के सारे कोर्सेज के लिए होती है, गवर्नमेंट एग्जाम है, वैसे ही हर एक स्टेट की फार्मेसी के लिए जो भी सीईटी होती है वैसे उस सीईटी से आप एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ कुछ कुछ कॉलेजेस की स्पेशलाइज सीईटी होती है, जैसे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी और अदर कॉलेजेस जिनकी स्पेशलाइज सीईटी हो सकती है, मणिपाल कॉलेज हो गया या फिर जेएसएस कॉलेज हो गया, तो वैसे कॉलेजेस अपनी अपनी सीईटी भी ले सकते हैं एडमिशन के लिए। तो अगर आपको फार्मडी अच्छे कॉलेज से करना है तो मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, और उन कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मैंने वेबसाइट की लिंक भी दिया है वीडियो में, उसको विजिट करिए और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फार्मडी पीबी का एडमिशन कैसे होता है बी फार्म के बाद, एक तो देखो आपका बी फार्म का एग्रीगेट देखेंगे, मतलब सारे सेमिस्टर्स में आपको कितने परसेंट मिले उसका एवरेज, या फिर कॉलेज स्पेसिफिक सीईटीज होती है जैसे पूना कॉलेज की है, मणिपाल कॉलेज की है और जेएसएस यूनिवर्सिटी की, तो उनकी उनकी सेपरेट सीईटीज भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले कहा उसी वीडियो में जहाँ पे मैंने टॉप 5 कॉलेजेस बताए हैं, तो आप वहीं पे जाके देख सकते हो कि फार्मडी पीबी भी उस कॉलेज में होता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने पहले बताया जो भी कास्ट रिलेटेड स्कॉलरशिप या फ्रीशिप्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कंसेशंस होते हैं ट्यूशन फीस में, वो सारे यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार लग जाते हैं, आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप। लेकिन ये याद रखना अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको कैप राउंड जो कि गवर्नमेंट के राउंड्स होते हैं उसी में से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फार्मडी पीबी भी सेम आपको स्कॉलरशिप या फिर आपकी फ्रीशिप मिल सकती है। डॉक्टर प्रीफिक्स, हाँ जी हाँ, फार्मडी में भी आपको डॉक्टर प्रीफिक्स मिलता है और फार्मडी पीबी में भी मिलता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लग के आता है डिग्री पे भी। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी भी दिक्कत आ रही है डिग्री पे डॉक्टर प्रीफिक्स लगाने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर प्रीफिक्स लग के आता है। बेस्ट कॉलेजेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरा चैनल विजिट करिए फार्मा ट्रेंड्स यूट्यूब चैनल, वहाँ पे एक फार्मडी इन्फो सीरीज है प्लेलिस्ट में, उसको विजिट करिए, उसमें आपको मिल जाएगी। प्लीज अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है, मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वो बेल आइकॉन है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए।